नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होगी तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, बहुत सारे साथी लोग मुझे कहते रहते हैं कि सर, आप वीडियो बनाइए कि CNC ऑपरेटर का इंटरव्यू जो होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है जिसके अंदर CNC ऑपरेटर का इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और आपको जो है वो आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं उनकी अगर आप तैयारी करके जाते हो तो आपका इंटरव्यू जो है वो ज़रूर क्लियर होगा और आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है CNC के अंदर, CNC टर्निंग मशीन का वह कौन सा भाग होता है जो टूल को ऑटोमेटिक चेंज करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो आप भी जो है वो इसका आंसर सोच के रखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो दोस्तों, इसमें से चार ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं। पहला ऑप्शन है टेलीस्टॉक, दूसरा ऑप्शन है टरेट, तीसरा है स्पिंडल और चौथा है कंट्रोल पैनल। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो दोस्तों आपका है टरेट। तो टरेट जो होता है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली जो है वो टूल को चेंज करता है, और यहाँ पर आप टरेट की पिक्चर भी जो है वो देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है CNC मशीन का पूरा नाम क्या है। तो इसके अंदर चार ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहला आता है कंप्यूटर नंबर कंट्रोल, दूसरा आता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, तीसरा आता है कंप्यूटर नेक्स्ट कंट्रोल, चौथा आता है कंप्यूटर न्यू कंट्रोल। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो आता है आपका कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये आपकी CNC मशीन होती है, तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है CNC मशीन में स्पिंडल को घुमाने के लिए किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका स्पिंडल घूमता है उसके अंदर किस प्रकार की मोटर जो है वो लगाई जाती है। तो इसके लिए आपके पास में चार ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहला आता है इंडक्शन मोटर, दूसरा आता है सर्वो मोटर, तीसरा आता है इनमें से कोई नहीं, और चौथा आंसर आता है आपका दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका सही आंसर सर्वो मोटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपकी सर्वो मोटर होती है, इसके द्वारा जो आपका स्पिंडल जो होता है वो घूमता है। अगला क्वेश्चन आता है CNC मशीन में टेलीस्टॉक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो टेलीस्टॉक का उपयोग दोस्तों क्यों किया जाता है, इसके लिए चार ऑप्शन है आपके पास में। जॉब की गुणवत्ता को चेक करने के लिए, लंबी और भारी जॉब को सहारा देने के लिए, टूल को ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए, नया प्रोग्राम डालने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका लंबी और भारी जॉब को सहारा देने के लिए टेलीस्टॉक का उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो कि एक पार्ट जो है वो आपका एक सिरा चक में लगा हुआ है और दूसरा जो है वो टेलीस्टॉक ने जो है वो क्या कर रखा है, इसको सपोर्ट दे रखा है। तो लंबी जॉब को जो है वो सहारा देने के लिए आपको टेलीस्टॉक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CNC मशीन का वह कौन सा भाग होता है जो कंपोनेंट को पकड़ता है। वह भाग बताइए जिसके अंदर कंपोनेंट को फिट किया जाता है। तो सबसे पहला है टेलीस्टॉक, दूसरे नंबर पे टरेट, तीसरे नंबर पे स्पिंडल, चौथे नंबर पे चक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चक। चक के अंदर आपका जो पार्ट होता है वो फिट किया जाता है, कंपोनेंट को लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो, ये आपका चक होता है और इसके अंदर जो है वो पार्ट को फिट किया जाता है। यहाँ पर जो है वो मैंने 3-जा चक यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग बढ़ेंगे, CNC टर्निंग मशीन में कितने एक्सिस होते हैं। तो CNC टर्निंग एक्सिस कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एक एक्सिस, दूसरा आता है आपका दो एक्सिस, तीसरा है आपका तीन एक्सिस, चौथा है आपका चार एक्सिस। तो इसमें सबसे जो है आपका सही आंसर कौन सा है, इसका मतलब है टू एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होता है CNC टर्निंग मशीन में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि CNC मशीन में कितने एक्सिस होते हैं, इसमें दो एक्सिस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वियर ऑफसेट का क्या काम होता है, वियर ऑफसेट क्यों डालते हैं। तो वियर ऑफसेट के लिए ऑप्शन खुलता है आपके पास में, ऑप्शन नंबर एक, जॉब पर टूल को टच करके एक्स और जेड की एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स सेट करना, दूसरा नंबर आता है बी, जॉब को के साइज को मेंटेन करना, तीसरा आता है टूल को शिफ्ट करना, चौथा आता है सभी। तो इसका सही आंसर आता है आपका
जॉब के साइज को मेंटेन करना, जब जब जॉब के अंदर डायमीटर में या फिर जेड एक्सिस में, जेड के अंदर लंबाई में अगर आपको साइज वेरिएशन आता है तो हम लोग वियर ऑफसेट के अंदर जो है वो ऑफसेट डाल करके उसको मेंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए किस एक्सिस में ऑफसेट डाली जाती है। अगर आपके कंपोनेंट की लंबाई कम या ज़्यादा आ रही है तो किस एक्सिस में जो है वो ऑफसेट डाली जाएगी। पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस, दूसरा आता है जेड एक्सिस, तीसरा आता है वाई एक्सिस और चौथा आता है सभी। तो इसका सही आंसर आता है, उत्तर इसका है जेड एक्सिस में ऑफसेट डाली जाती है लंबाई को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएनसी मशीन में T0101 का क्या अर्थ होता है। प्रोग्राम के अंदर ऐसा आपने देखा होगा, फानुक के अंदर अक्सर ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन खुल के आते हैं आपके सामने, पहला आता है प्रोग्राम नंबर, दूसरा सीक्वेंस नंबर, तीसरा होम पोजिशन, चौथा आता है टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। तो इसका सही आंसर आता है फ्रेंड्स, सही आंसर है टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। तो T01 पहला टूल नंबर होगा और उसके बाद में ऑफसेट नंबर को दिखाएगा। उसके बाद में आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, VMC मशीन का पूरा नाम बताइए। तो VMC मशीन का पूरा नाम होता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है खुल के, वर्टिकल मशीन कट, वर्टिकल मिलिंग सेंटर, वर्टिकल मशीन सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका उत्तर है वो है आपका वर्टिकल मिलिंग सेंटर। तो ये आपकी फ्रेंड्स आपकी वर्टिकल मिलिंग सेंटर होती है, जिसके अंदर आपके तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है। इसके बाद में आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 5S में सबसे पहला एस कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सुना होगा, 5S जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपका जो है वो पहला 5S जो होता है उसका क्या नाम होता है। तो पहले इसका नाम होता है, जैसे मान लो इसमें ऑप्शन चार है, सीरी, सितोन, सीसो, सिकेसु। तो सही आपका आंसर जो है वो आता है आपका सीरी। सीरी का मतलब होता है आपके जो शॉप फ्लोर पर बहुत सारी वस्तुएं रखी होती हैं, उनमें से काम में आने वाली और काम में न आने वाली वस्तुओं को जो है वो आपने छांटना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, PPE का पूरा नाम बताओ। PPE का पूरा नाम क्या होता है, इसके लिए आपको ऑप्शन खुलता है, पहला है पर्सनल पॉइंट इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तीसरा पर्सनल पैसेंजर इक्विपमेंट, फिर चौथा आता है पर्सनल प्राइवेट इक्विपमेंट। तो इसका सही आंसर है आपका, सही आता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब इसका होता है स्वयं सुरक्षात्मक उपकरण। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जब भी हम लोग किसी वर्कशॉप में काम करते हैं या मशीन पे काम करते हैं तो बहुत सारे PPE की आवश्यकता होती है। जैसे आपका हैंड ग्लव्स है, आपका एप्रॉन होता है, ईयर प्लग होता है, आपका हेलमेट होता है और आपका आइस गोगल होता है, नोज मास्क होता है, सेफ्टी शूज होता है, सेफ्टी बेल्ट होता है। तो इन सब की जो है वो आवश्यकता होती है, ठीक है, कार्य के अनुसार। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अधिक ऊंचाई पर काम करते समय किस प्रकार के PPE को पहनना जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर आता है, सबसे पहले हैंड ग्लव्स, सेफ्टी जूते, सेफ्टी बेल्ट, नोज मास्क। तो इसका सही आंसर आता है सेफ्टी बेल्ट। तो अधिक ऊंचाई पर काम करेंगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी होगा, और ये आपका जो है वो इस प्रकार से सेफ्टी बेल्ट होता है जिसका जो है वो ऊंचाई पर इसकी कुंडी को लगा दिया जाता है, ताकि बाय चांस अगर आपके हाथ छूट जाएं तो आप नीचे नहीं गिरोगे और आपका जो है वो बचाव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सेफ्टी बेल्ट। अगला क्वेश्चन आता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ए में आंसर है आपका 0.5 mm, बी में आता है 0.1 mm, तीसरे में आता है आपका 1 mm और उसके बाद में आता है 0.02 mm। तो इसका सही आंसर आता है आपका 0.02 mm। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, मतलब जो आपका मैनुअल वर्नियर कैलिपर होता है उसकी जो है वो लिस्ट काउंट की बात हो रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई भी आपसे अगर पूछता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताइए, तो आपको जो है वो डायरेक्टली लिस्ट काउंट वो बताना है, मैनुअल वर्नियर कैलिपर का बताना है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना होता है डिजिटल वर्नियर का लिस्ट काउंट, तो आपके सामने ऑप्शन खुलता है 0.5 mm, 0.1 mm और 1 mm और 0.01 mm। तो इसका मतलब होता है 0.01 mm, मतलब 10 माइक्रोन का इसका लिस्ट काउंट होता है, और इस प्रकार का आपका जो है वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है, जो कि आपका पार्ट की लंबाई को मापने के काम आता है, डायमीटर को मापने के काम आता है और आपके पार्ट की जो डेप्थ होती है उसको भी मापने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आएगा आपका, जैसे क्वेश्चन ए में आता है, ए में पहला ऑप्शन 0.5 mm,
फिर आता है 0.1 mm, तीसरा आता है 1 mm, फिर आता है आपका 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट आता है 0.01 mm। तो ये यहाँ पर जो है वो मैनुअल माइक्रोमीटर की बात हो रही है। डायरेक्टली आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर दी लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, तो आपने डायरेक्ट बताना है 0.01 mm। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है उसके लिए ऑप्शन खुलते हैं आपके पास में 0.5 mm, 0.1 mm, 0.001 mm और 0.01 mm। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका 0.001 mm, मतलब आपका एक माइक्रोन का लिस्ट काउंट होता है। और ये हमारा जो है वो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है। इसके अंदर आप जो है वो डायमीटर को बहुत ही अच्छे स्टिक तरीके से जो है वो मापता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो वर्नियर हाइट गेज जो होता है वो पार्ट की हाइट को मापने का कार्य करता है, और उसके अंदर जो स्केल लगा होता है वो वर्नियर कैलिपर वाला स्केल होता है सेम। तो इसके अंदर लिस्ट काउंट कितना होता है 0.5 mm, 0.02 mm, 1 mm, 0.01 mm। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या है 0.02 mm। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो वर्नियर हाइट गेज होता है, जिसके अंदर आपका वर्नियर स्केल लगा होता है और मेन स्केल लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वर्नियर है और वर्नियर हाइट गेज है, यहाँ पर आपको मैनुअली रीडिंग को जो है वो मापना होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट, जो आपका डिजिटल वाला होता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो डिजिटल वर्नियर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। तो यहाँ पर जो है वो आपका इस प्रकार से एक डिजिटल का जो वर्नियर हाइट गेज है वो भी आता है। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल वर्नियर जो है वो हाइट गेज है, तो ये डिजिटल आपका हाइट गेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भूल गया, तो ये डिजिटल हाइट गेज है, तो इसका लिस्ट काउंट होगा आपका 0.01 mm, क्योंकि ये डिजिटल स्क्रीन पे कार्य करता है। तो स्नैप गेज से किस प्रकार का डायमीटर मापते हैं। तो स्नैप गेज होते हैं, बहुत सारे गेज भी होते हैं जिनसे डायमीटर को मापा जाता है। तो स्नैप गेज से कौन सा होता है, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, बोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आता है आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर को मापता है आपका स्नैप गेज, और आपका स्नैप गेज होता है वो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, एक सी के प्रकार का या फिर यू के आकार का जो है वो ये गेज होता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन कैसे लगे, और आप इन क्वेश्चंस को याद करके अच्छे तरीके से और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में CNC ऑपरेटर का जो इंटरव्यू है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।